सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। एक कैटेगरी हमने कवर कर ली है कि अलग अलग प्रकार के जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है भारत के अंदर, उनके पांच ग्रुप्स थे। एक कैटेगरी को हमने कंप्लीट कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैटेगरी क्यों कहा जाता है। इतने सारे बैंक्स की अमलगमेशन से बना है, कॉम्बिनेशन से बना है ना। अब बात करते हैं नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन से बैंक होंगे, अगर नेशनलाइजेशन हुआ तो कौन से रहे होंगे बैंक एक टाइम पर, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट पर्सन से रिलेटेड रहे होंगे, राइट? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं उनको वर्ड, क्योंकि मतलब यही होता है नेशनलाइजेशन का, है ना। अब एक बात याद रखना, इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर की बात रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पर दिखा भी देता हूं। SBI नेशनलाइज बैंक नहीं है। बताओ क्यों, इसका रीजन दो मुझे जल्दी फटाफट एक लाइन के अंदर। मेरी नॉलेज, क्योंकि ये कहती है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और जब लिखा ही हुआ है यहां पर कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये कैसे मुझे कह सकता है कि SBI इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेशनलाइज बैंक? क्यों भाई, कैसे? हाँ, प्राइवेटली ओन नहीं था एक्चुअली वो किसी का, क्योंकि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका अस्तित्व चेंज करने के लिए उसका नेशनलाइजेशन करा गया था, लेकिन जब नाम SBI हो गया था, है ना, उसके बाद उसका नेशनलाइजेशन फर्दर नहीं हो सका। और वो कुल मिलाकर बात यही, जैसा कि आपने बोला, सरकार जब मालिकाना हक रख ही ले रही है किसी चीज़ का, तो नेशनलाइजेशन का क्या तुक बनता है? इंपीरियल बैंक जो था वो था प्रेसिडेंसी से बना, ये तीन प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास से बनकर बना हुआ था, है ना। देश आजाद हुआ 1955 में, सरकार ने क्या करा, उसको नेशनलाइज कर दिया, लेकिन हम नेशनलाइज लिस्ट के अंदर इसको रखते नहीं। अब क्या हुआ था, 1913 से लेकर 1917 में एक बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, और जब भी इस प्रकार के क्राइसिस होते थे ना, जिनका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता था, तो बताओ कौन से नेशनल लीडर एक्टिवेट हो जाते थे श्रेया? वैसे तो बहुत सारे होते थे, फेमस कौन? मैंने कहा जब भी जैसी ये बैंक फेलियर हुआ या कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ये टाइम देख रहे हो ना, टाइम लाइन, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चल रहा है ना, 1913 to 1917, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से नेशनलिस्ट लीडर एक्टिवेट हो जाते थे राइटिंग्स में अपना ये सब लिखने में? नहीं नहीं नाम बताओ उनका, पर्सन का। वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन वो फेमस, पॉवर्टी, हाँ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, था ठीक है, कुछ भी हो जाए, है ना, अच्छा था ना, उसने पूरी कहानी कवर कर दी हमारी दादा भाई नेहरू जी के ऊपर, है ना। तो ड्यू टू द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 1913 to 1917, एंड उस टाइम पर बैंक देख रहे हो कितने, 1949 तक आते आते देखना, मतलब आज़ादी से पहले ही हो चुका था ये सिलसिला, पूरा का पूरा शुरू पूरा हो चुका था। 588 बैंक्स फेल हो गए, 588 बैंक कंट्री के अलग अलग कोनों में। दादा भाई नरोदा जी की जो कलम थी श्रेया, वो चिंगारियां निकाल रही थी पेपर के ऊपर इतना लिख रहे थे वो, क्रिटिसाइज करते करते अंग्रेजों को। तो नेसेसरी हो, अमेजन पे आती है वाली बुक, बहुत फेमस है, जैसे गांधी की एक बुक बहुत फेमस है, हिंद स्वराज वगैरह, इसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ बहुत फेमस है, उसी में गांधी जी ने जिक्र कर रखा है, पता है कि सोना चोरी करा था उन्होंने अपने भाई का। वो एथिक्स के परस्पेक्टिव से पढ़ी जाती है, लेकिन डोंट वरी उन सब का निचोड़ जो है वो मैं आपको दे दूंगा, ये फालतू की बुक्स और ये नॉवेल्स में क्यूरियोसिटी के टाइम वेस्ट मत करना, हमारे पास अभी कोई भी टाइम नहीं है फालतू चीज़ें पढ़ने का, अपने ही पढ़ लो वही बहुत है। तो इट वॉज नेसेसरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स, ये जरूरी हो गया कि यार हमें कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। ऐसा किसने सोचा? आज़ादी के बाद सरकार ने सोचा, या ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे पता नहीं साले लोग कैसे चला देते बैंक को, इतने सारे बैंक फेल करवा दिए इन्होंने, ट्रस्टी नहीं रह गया किसी का, वैसे ही नहीं था बंदा, वैसे ही क्या खाता वाता क्या ही खोलता होगा यहाँ पर इस ज़माने में, है ना। इतने सारे बैंक फेल हो रहे, 588 बैंक देश में फेल हो जाए, कोई खाता खोलेगा श्रेया? सैलरी बैंक में रखोगे उस टाइम पर? बिल्कुल नहीं। लोगों की कौन सी हैबिट बिगड़ जाती है इस टाइम पर? बैंकिंग हैबिट,
और गम में बीच में एक और हैबिट डेवलप हो जाती है, सिगरेट और सिगरेट पीने की, जुआ खेलने की और दारू पीने की। तो ऐसे ही नहीं आ रहा। अरे छाती पीट पीट के रो रही थी औरतें अभी जब येस बैंक का जब फेलियर हुआ था बाहर, मतलब ऑब्वियसली बात है जेन्युइन रीज़न था यार, इतने सारे पैसे चले गए, फिर आरबीआई बोलता है कि इतना 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 ही मिलेगा आपको, वो मिलेगा, लोगों की हार्ड एंड सेविंग होती है यार, ट्रस्ट करके वो लिखा हुआ, उनका खानदान नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं मिल पाता ना, कभी कभार जाते हैं बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है, कैसे मिल जाएगा आपको, सबको देना है ना थोड़ा थोड़ा। पेट्रोल पंप पे कभी कभार क्या होता है कुणाल, तुम जानते होगे जैसे अपने ब्रांड में पेट्रोल पंप में, जैसे अब उसके पास लिमिटेड पेट्रोल रह गया है तो वो कहता है कि 1% की टंकी फुल नहीं करूंगा, सबको थोड़ा थोड़ा बांट दूंगा, होता है कि नहीं होता है कि सभी को शेयर मिल जाए थोड़ा थोड़ा। तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट वॉज पास इन 1949, जिसको बाद में नाम दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है हमारे देश में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लिस्ट करे जाते हैं या फिर रेगुलेट करे जाते हैं, रेगुलेशन, और लिस्टिंग उनकी कौन से एक्ट में होती है, 1934, उसके कौन से स्केड्यूल में, सेकंड में, फर्स्ट नहीं होती क्यों, लिख रखा डाल रखा भाई। ठीक है भाई, तो वही वाली बात हो गई कि फंडामेंटल राइट इतने इतने से इतने थर्ड पार्ट में क्यों के बैन है। तो इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क किसके लिए, कि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से रेगुलेट हो सके। बात है साल 1969 की, अच्छा याद रखना ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे रेगुलेट करा जाए हमारे देश के अंदर। अब बात करते हैं साल 1969 की, कुछ कुछ अदर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करी गई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, यानी कि अगर इसमें इतने पॉइंट लिखे हुए थे ना, इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट डालती है। किसके द्वारा करा गया, श्रीमती इंदिरा गांधी, क्यों क्यों डर रहे हो, देख ऐसे ईयर काउंट कर लिया करो ना, जैसे डर लगे ना कभी भी। 1970-71 बांग्लादेश का पर होने वाला है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री आसपास कौन, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, धीरे धीरे करते करते हैबिट डेवलप हो जाएगी, डोंट वरी, मैंने बहुत मुशक्कत करी है, मैं खुद भी बहुत सफर करूँ तो मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील करते होगे, रोना छूटता है कभी कभार ऐसी चीज़ों पर। ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के प्रेशर की फॉर्म में बार बार आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी को क्यों टेस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि शुरू से ही अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा ना आपके साथ इस चीज़ के ऊपर, तो आपका ब्रेन कभी भी स्लो नहीं पड़ेगा। हमारा मकसद सिर्फ कोर्स कंप्लीशन का नहीं है, पुरानी चीज़ें भी याद होनी चाहिए, दोबारा जीरो पे पॉइंट जीरो पे उस टाइम पर बैठे हो, हाँ जी सुना था, हाँ आपने करवाया तो था, इससे क्या प्रिलिम्स क्लियर हो जाएगा, ये तो सभी कर रहे हैं, सब नहीं सुना था 6-6 साल से जो पेपर दे रहे हैं, हमारा काम आप सुनने का नहीं रह गया है, और 2023 के पेपर के नेचर ने भी क्लियर कर दिया कि सुनने से कुछ नहीं होगा बेटा, सुना तो तुम्हें सब कुछ होगा, सारे के सारे टॉपिक 100 के 100, 2023 का पेपर ऐसा था, याद है तुम्हें कुछ, रिकॉल कर सकते हो, तो IAS बनो। ठीक है, तो सर्टेन प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट ब्रॉट सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, और ये सोशल कंट्रोल लगे इसको बोला जा रहा है, एक्चुअली सोशल कंट्रोल नहीं है, ये कौन सा कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब ऐसे ना, एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल ही होता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सोशलिज्म और पब्लिक सेक्टर इट इज कंसर्न विद गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इससे अपोजिट होता है। 14 बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था 1969 में, 14 बैंक्स जिनकी पेड अप कैपिटल कितने अमाउंट से ज्यादा थी, नहीं 50 करोड़ से ज्यादा थी, पैसे अड़पने थे कि यार 50 करोड़ से ज्यादा है तुम संभाल नहीं पाओगे, बच्चों ये पैसा मेरे हवाले कर दो, कि अगर ये कल को ये फेल हो गए तो कितने सारे डिपॉजिटर्स के पैसे जो है वो चले जाएंगे। जिस बैंक का मतलब आपके मैं बताता हूँ ना, आपके दिमाग में आया होगा बाय ओनली 14, इसका भी एक रीज़न है, इसका रीज़न ये उन्होंने कंडीशन रख दी थी सरकार ने, चलो रामू श्यामू पता लगाओ देश में कौन कौन से बैंक ऐसे जिनके पास 50 करोड़ रिजर्व जो है वो पड़े हुए हैं पैसों की फॉर्म में। 14 बैंक निकल कर आ गए सामने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लिस्ट दी गई,
मैडम साहिबा 14 बैंक्स हैं, क्या करना है? नेशनलाइज करो सबको, सबको बोलो आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। दो, दिस प्रोविजन ब्रॉट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एडवांसेस मेड बाय द बैंकिंग कंपनीज। अब नहीं दे सकते वो इतना ज्यादा आसानी से एडवांस वगैरह, एडवांस इन द सेंस आप समझ रहे हो लोन्स। सो डैट बैंक एडवांसेज वर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू शिफ्ट देयर प्रायोरिटीज टूवर्ड सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। ये रीजन किसने दिया? गवर्नमेंट ने। किस बात के लिए? Why did we resort to nationalization? सरकार ने बोला हमने अपना बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, बैंकों के ऊपर लगाम लगा दिया, देश में ये लोग साले साले लोन देते चल रहे हैं, इनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर का है, ये लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ही लोन देते हैं, पूछते तक नहीं है सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स। ट्रेडर्स को लोन मिलता नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को मिलता नहीं है, फार्मर्स को मिलता नहीं है, उनके ग्रोथ उनका विकास जरूरी नहीं है क्या? सरकार ने ये रीजन दिया अपने आंसर कि आगे चलकर इकॉनमी में अमीर अमीर ना बने, गरीब गरीब ना मिले, लोन पाना तो सबका राइट होना चाहिए, छोटे लोग भी अपने आप को डेवलप कर सकें, छोटे सेक्टर्स भी अपने आप को ग्रो कर सकें। इसके लिए जिन बैंकों के पास 50 करोड़ से ज़्यादा पेड अप कैपिटल और डिपॉजिट्स अमाउंट जो पड़ा हुआ है उसको हम नेशनलाइज करने जा रहे हैं, यानी कि उसका मालिकाना हक हम अपने पास रखने जा रहे हैं। में 6 और बैंकों को जिनका कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा था, और कैपिटल इन द सेंस ऑफ कि यहां पर डीटीएल, याद है डीटीएल क्या है? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिनका मिनिमम 200 करोड़ था उनको नेशनलाइज कर दिया गया। अब कितने हो गए? 14 + 6 = 20। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक था जिसका नेशनलाइजेशन हुआ था, इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और इकलौता हमारे भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा मर्जर है जो कि एक नेशनलाइज बैंक दूसरे नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज हो गया हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यही से एक एक्सेप्शनल केस था जिसकी वजह से टोटल जो 20 नेशनलाइज बैंक थे अब उनकी संख्या गिरकर हो गई थी 19 इसके मर्जर के बाद। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया किसमें? पीएनबी में। तो अभी क्या देखने को मिलता है आपको? न्यू बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कोई बैंक या पीएनबी के नाम से? पीएनबी 20 to 19 हो गया, मतलब 20 थे नेशनल बैंक, अब 19 हो गए इसके मर्जर के बाद। क्या रीजन दिया सरकार ने नेशनलाइजेशन के पीछे? कि इकोनॉमिक पावर हमारे देश में कुछ गिने चुने हाथों में ही है, जैसा कि अभी उसने सरकार ने बोला ना ऊपर के ये लोग लोन्स वगैरह नहीं देते हैं एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज को देते हैं, उनको आसानी से मिल जाते हैं लोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से लोन पास करते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते इकॉनमी के हर एक सेक्टर की। बैंक वैसे किसके लिए होते हैं बताओ? बैंक हो गया, फिस्कल पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, लेकिन चलो सिर्फ बैंक की बात कर लो, बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को भी सेट करो, बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी में क्या रोल निभाते हैं बताओ? इकोनॉमिक ग्रोथ ही को तो इंश्योर करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ भी कर रहे हैं वो, कुछ भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सारे फंक्शंस को उनके एक सिंगल पॉइंट में लाके मर्ज कर दो, एक सांस में अगर आंसर देना हो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है ना बैंक, तभी तो हम घबरा जाते हैं शरीर कि बैंकिंग हैबिट नहीं बिगड़नी चाहिए लोगों की। 17 के आसपास ये येस बैंक का फेलियर हुआ, 18 में उसने क्वेश्चन पूछ लिया बैंकिंग हैबिट के ऊपर यूपीएससी ने। उसके बाद बैंक्स प्रीवियसली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज,
सरकार ने बोला जब नेशनलाइजेशन हमने नहीं करी थी तो सारे के सारे बैंक्स ये लोग अपनी ब्रांचेस जो है अर्बन एरियाज में खोल लेते थे। इसकी वजह से एग्रीकल्चर रूरल एरियाज की जो डेवलपमेंट थी वो निगलेक्ट होती थी इनके लिए, क्योंकि बैंकों के लिए वो प्रायोरिटी सेक्टर थे ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये लोन तो उन्हीं कंपनीज को देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को, जितना बड़ा लोन ये लोग दे सके इनको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उतना बड़ा ब्याज मिल जाए। एग्रीकल्चर वगैरह में देकर इनको पता था कि यार किसान क्या ही वापस कर सकेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन सरकार ने बोला यार हर एक सेक्टर की ग्रोथ जरूरी है। नेशनलाइजेशन के बाद प्रोग्रेस क्या हुई, एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इवन इन रूरल एरियाज, गांव में भी ब्रांचेस खोली गई। पहले ये लोग सिर्फ गांव खोलते थे, अर्बन एरियाज में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंक्रीज हुई। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या देखा जाता है, मुनाफा नहीं देखा जाता, ये आपको पता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की स्कीम भी है और आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा भी, अभी बहुत कुछ आएगा इसके ऊपर, डोंट वरी, परेशान मत हुआ करो। प्रायोरिटी सेक्टर नाम से क्या पता लग रहा है कि आपको पैसा वहां से वापस आएगा अलोंग विद इंटरेस्ट, ये ख्याल एक मिनट के लिए साइड रखो। पहले ये देखो कि कौन सा सेक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, उसका इंजन रुका हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दो और पेट्रोल डीजल डाल के उसको बढ़ावा दे दो। इसके लिए लोन देना पड़ेगा, इसी को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जो जो सेक्टर्स प्रायोरिटीज में थे सरकार की, उसके लिए सरकार ने ऐसे उन सेक्टर्स के अंदर लोग जो काम धंधा कर रहे थे, अलग अलग व्यवसाय जो चला रहे थे अपना, उनको लोन दिलवाना शुरू करवाया, ठीक है। लेवल ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज इट इंक्रीज, जैसे जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिसके बारे में हम जैसे अभी यहां देख रहे थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सरकार ने ये बोला अभी तक तुम जैसे तुम्हारे पास एक फंड है 50 करोड़ का, तुम्हें 5-5-5 करोड़ करके सिर्फ 10 ही बड़ी कंपनीज को तो लोन दे पा रहे थे। अब जिन्होंने 5-5 करोड़ लोन उस जमाने में लिया, इसलिए तो डेफिनेटली लॉन्ग ड्यूरेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लिया होगा, मतलब अपनी एक्टिविटीज के लिए लिया होगा। अल्टीमेटली हर एक एक्टिविटी क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस में रिजल्ट करती है, इसलिए मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको नाम दे रहा हूँ, किसी ने किसी एक्टिविटी के लिए लिया होगा। लेकिन बैंकों के पास इतनी जल्दी तो ब्याज वगैरह आएगा नहीं, लंबे समय में आएगा। अब यहाँ पर लोगों का जो छोटा छोटा जो लोन जो था उनको वो पास करा गया, उससे क्या हुआ, एक तो लोगों ने बैंक के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करा जब एक गांव में खुले, यानी कि ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो, जिसका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड, कि ये डिपॉजिट जो था ये मोबिलाइज हुआ, बड़ा कैसे डिपॉजिट ये, क्योंकि गांव में भी अब ब्रांचेस खुली गई तो लोग जागरूक हो गए थे। अब बात वही है ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं 2 लाख का अपने फाउंडेशन कोर्स बेचूँ और पूरे साल में एक ही पर्सन मेरे पास आए और वही मैं 2-2 हज़ार का रेट करके कितने सारे लोगों को बेच सकता हूँ, जिससे हो सकता है मेरे पास बल्क अमाउंट बेच में 20 लाख या 2 करोड़ का आ जाए, राइट। तो ऐसे ही दिमाग ये लगाया गया कि बैंकिंग लेंडिंग जो एक्टिविटीज होती हैं, जो छोटा छोटा लोन जो देना है, तो कोई बात नहीं छोटे छोटे ही दे दो, ठीक है। छोटा लोन से होगा क्या, लोगों को दोबारा चाहिए पड़ेगा, ठीक है, ब्याज की दरें भी कम रखो और लोग रिफ्रेश करवाने आएंगे, उनको भी तो अपने सिविल स्कोर वगैरह अच्छे से मेंटेन करके चलना है। उस टाइम पर वर्ड हालांकि यूज नहीं होता था, लेकिन एक ऑब्वियस ही बात है, जब आप बैंक का पुराना पैसा नहीं दे पा रहे तो नया लोन कैसे पास हो जाएगा। तो छोटा लोन दो लोगों की हैसियत के हिसाब से कि वो वापस कर सकें, वो कोलेटरल क्या रख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे तो बैंकिंग लेंडिंग एक्टिविटीज जो थी, लोन देने की प्रक्रिया जो थी बैंकों की, वो बढ़ गई और बैंक्स ने बड़ी सारी फाइनेंशियल स्कीम्स स्टार्ट करी विच अल्टीमेटली प्रमोटेड एंटरप्रेन्योरशिप। जो बड़े सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, कुछ कुछ IITians वगैरह इंजीनियर्स वगैरह अपने करियर से रिजाइन मारकर, शायद आपको पता होगा, स्टार्टअप्स खोल लेते हैं, है ना। आपके कॉलेज के बड़े सारे लोगों ने करा होगा ऐसा, या आपके किसी आप नोन में किसी फ्रेंड के हो या कुछ भी हो, कि वो अपना सब कुछ इंजीनियरिंग जॉब अपना करके अपना खुद का चला रहे कुछ सेटअप अपना। अगर वो सेटअप उनको चलाना है तो लोन तो लेना पड़ता है ना उनको। अब वो लोन उनको मिलता है फाइनेंशियल स्कीम्स के अंतर्गत, जैसे बड़े सारे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स हैं,
है ना बिज में, जिसके तहत अगर कोई भी स्टार्टअप अगर वो करना चाहता है, या फिर आपने सुना होगा बिज में वो चीज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs, उसके अंदर का आराम से लोन नहीं मिलता। मतलब ठीक है थियोरेटिकली लिखा जाता है कि मिल जाता है आराम से, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ऐसे लोगों को जो कि अपना खुद का स्टार्टअप खोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं सपोर्ट तो करती है कि नहीं करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स। और वो स्कीम्स जो होती हैं जो लोन वगैरह उनको मिल जाएगा, जैसे किसी भी प्रकार का लोन जो मिल जाएगा, ये बैंक ही तो पास करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, आने वाले समय के अंदर और आज तक जो लोग अपने बच्चों को इंग्लैंड कनाडा भेज पाए पढ़ने के लिए या घर ले पाए, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, इस प्रकार की फाइनेंशियल स्कीम्स बैंक के द्वारा स्टार्ट हो, वरना ये होती नहीं। वरना नहीं होती है। समझ गए? कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दो हजार बीस में जिस साल कोविड आया था, भारत की सरकार ने एक मेगा अमेलगमेशन की अनाउंसमेंट करी, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को अमेलगमेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक बनाकर, 10 को निचोड़ के कितने बना दिया, 4, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2020। ठीक है, अमेलगमेशन हुई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की। जब हम लोग छोटे थे स्कूल टाइम पढ़ते चले तो हम इसके नाम सुनते थे, पक्का सुना होगा आपने, या सिंडिकेट बैंक वगैरह तो सुना ही होगा, इलाहाबाद बैंक सुना होगा, है ना, पिक्चरों में हम लोग देखते हैं बहुत सारा, है ना, ये तो फेमस बैंक थे बहुत सारे हमारे देश के। अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज दे आर अमेलगमेटेड इनटू पंजाब नेशनल बैंक। इससे पहले पीएनबी में कौन सा बैंक अमेलगमेट हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें, करेक्ट करते जाया करो, इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी लिख लो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और पीएनबी इस चीज में यूनिक कैसे है, क्योंकि 1993 में इकलौते ऐसी घटना थी, मतलब ऐसा इवेंट था कि इट वाज यूनिक कि एक नेशनलाइज्ड बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया भी तो एक नेशनलाइज हुआ बैंक था, उसका भी तो नेशनलाइजेशन हुआ था, पीएनबी का भी हुआ था, एक नेशनलाइज्ड बैंक दूसरे बैंक में जाकर मर्ज हो रहा है, दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर मर्ज हो रहा है, राइट। उसके बाद अमेलगमेशन ऑफ सिंडिकेट बैंक इनटू कैनरा बैंक, amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into United Bank of India, and amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank। ठीक है, Allahabad Bank अब कुछ भी नहीं है, Andhra Bank कुछ भी नहीं है, Corporation Bank कुछ भी नहीं है, Syndicate Bank कुछ भी नहीं है, Oriental Bank of Commerce जैसी कोई चीज़ नहीं है, और United Bank of India जैसी अब कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे ये 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स 4 में कैसे करेंगे मर्ज, अब गिनो जरा इनको, इसका मतलब क्या, मतलब बोलने का तरीका क्या, इसको प्रूफ कैसे करोगे, ये कितने बैंक दिख रहे हैं पहले गिनो मेरे साथ, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, कितने हैं ये, 4 हैं, ये चल रहे हैं या फिर इनकी भी अमेलगमेशन हो गई, ये तो चल रहे हैं, बाकी गिनते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, अलाहाबाद बैंक, 10 थे टोटल, लेकिन अब ये वाले गायब होकर सिर्फ मुझे कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इसलिए कह रहा है कि 10 को कंबाइन करके 4 में वो कर दिया गया था, कई स्टूडेंट्स जो ना गलत तरीके से समझ लेते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी था, ये वो सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो 10 बैंक दिख ही नहीं रहे हैं,
ये चार तो दिख रहे हैं जो ब्लू कलर में दे रखे हैं, वो कह रहे हैं टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे मेगा एमलगेमेशन के तहत, उनको 10 को चेंज करके 4 में कन्वर्ट कर दिया गया, एमलगेमेशन हो गई अलग अलग प्रकार से। बेनिफिट्स क्या हैं इस एमलगेमेशन के, कुणाल आप पूछ रहे थे ना कि क्या हो जाएगा इससे, फ़ायदा क्या इसका। अब ये सरकार क्या बोलती है, ये जो मेगा कंसोलिडेशन हुआ या एमलगेमेशन हुई, या पहले भी आपने देखा कि नेशनलाइजेशन हुई, नेशनलाइजेशन तो चलो छोड़ दो, लेकिन ये मर्जिंग जो होती है, जब भी सरकार ने बोला दिस वुड हेल्प क्रिएट बैंक्स, ऐसे बैंक बनाने में मदद करेगा जो कि ग्लोबल बैंक के साथ इफेक्टिवली कम्पीट कर सकेंगे। क्यों? अब इनका बेस बढ़ गया, इनका कैपिटल बढ़ गया, लेकिन एक नुकसान था इसका, ज़रा कोई आपने से बता सकता है, बताओ नुकसान क्या था? इतना सारा स्टाफ 10 बैंकों में काम कर रहा है, अब 4 बैंक रह गए, ये चारों बैंक उस पुराने बैंक के स्टाफ को रखेंगे, ज़रूरी है? कोई सिंडिकेट बैंक का मैनेजर होगा कैनरा बैंक में, जब वो सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया, अब उसको कोई पोस्ट दी जाएगी मैनेजर की? ज़रूरी है, मतलब आवश्यकता है, अनिवार्य है ये श्रेया? नहीं ना। इट रिजल्टेड इन टू डीमैट्स लिखवा रहा हूँ, प्रमोशन होता ना जैसे, एक प्रकार से डीमोशन, या फिर जॉबलेसनेस। क्या आप ये यकीन से कह सकते हो जितने बैंक के सारे के सारे जिनको मर्ज करा गया, मैं कह रहा हूँ जिनको मर्ज करा गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, अलाहाबाद बैंक, मैनेजर से लेकर सफाई कर्मचारी तक सबको दोबारा जॉब मिल गई? वो पोस्ट छोड़ो, चलो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, यकीन से बोल सकते हो कि सबको कोई ना कोई अहदा मिल गया होगा? पक्का किसी को भगाया नहीं गया होगा? नहीं ना, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। शायद ब्रांचेस 10 थी, 4 हो गई है ना, अब लिमिटेड स्टाफ उतना काम कर लेगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बुराइयाँ नहीं लिख रखी हैं, बात ही है। और जब कोई क्वेश्चन आ जाएगा क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको पहले बुराइयाँ लिखनी पड़ेंगी, फिर उसको मोल्ड करके, यूटर्न लेके, अच्छी अच्छी बातें करके, उसको ऑप्टिमिस्टिक टोन में कंक्लूड करना होता है आंसर को, जब भी क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन। पहले बुराइयाँ करो, फिर पॉजिटिविटी के साथ खत्म करो। ग्रेटर स्केल एंड सिनर्जी थ्रू कंसोलिडेशन, जिसकी वजह से इट विल लीड टू कॉस्ट बेनिफिट्स टू दीज बैंक्स, टू दीज मर्ज्ड बैंक्स। एक कॉमन एनर्जी फ्लो होगी, सब लोग एक कॉमन तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन ये देखो, पता है सरकार जो पॉइंट दे रही है ना, आपका दिल खुश नहीं होगा इनको पढ़ के। सरकार डिफेंड करवा रही है अपने आप को। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इम्पिटस ग्रोथ एनर्जी टू amalgamated banks by increasing their ability to support larger lending and greater financial capacity। एक बात बताओ सालों, जब larger lending करवानी थी तो ये nationalization वगैरह का ये नौटंकी क्यों करी थी? तुम तो यही बोल रहे थे कि बड़े बड़े लोगों को लोन वोन मिल जाता है, छोटे छोटे सेक्टर को नहीं मिलता, तो बैंकों को बड़ा बनाकर तुम्हें क्या लगता है छोटे सेक्टर को लोन मिलेगा? फंस गए ना, ट्रैप हो गए ना इस फंड में। ये देयर एबिलिटी टू सपोर्ट लार्जर लेंडिंग, ये तो चली रही थी, फिर नेशनलाइजेशन क्यों करा? ये तो था ही ना, ये वाला पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को वो लोन देते थे, और नेशनलाइजेशन के रीजंस भी यही थे, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। तो एक बार पता, जब लोन ही गिने चुने बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलेगा, अगेन ये वाला पॉइंट दोबारा से हावी नहीं हो जाएगा डेवलपमेंट कर इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखना, जूता निकाल के मारने का मन करेगा आपको इस पॉइंट को। एक्सेस टू वाइडर टैलेंट पूल, यानी कि श्रेया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो मैनेजर था वो गवार था, बहुत सालों से उसकी कंप्लेंट आ रही थी, वो स्किल्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पंजाब नेशनल बैंक में जाएगा तो उस रातों रात एनलाइटनमेंट हो जाएगी उसको। एंड लार्जर डेटाबेस विल इनहेंस देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
कॉम्पिटिटिव काय का एडवांटेज भाई, कम्पीट करने किससे है, किससे कम्पीट? और जो तुम ग्लोबल बैंक की बात कर रहे हो, कभी उनके अंदर डिपॉजिट फंड देखा है कितना है? SBI लार्जेस्ट बैंक इंडिया का होगा, दुनिया के बैंकों में कंपीट करता है क्या? करता है, लेकिन क्या मतलब टॉप फाइव टॉप थ्री में बोलोगे आप उसको SBI को? ये कैनरा बैंक जो है ये सिंगापुर के किसी बैंक से कंपीट करेगा? ये जो आप कह रहे हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, किस बात का कॉम्पिटिशन ही नहीं तो एडवांटेज कैसा भाई? उसके बाद एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस अमेलगमेटिंग एंटिटीज, जिसकी वजह से बैंक्स फैसिलिटेट होंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मान ली ये वाली बात कि कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ रिस्क को मैनेज करेंगे, कॉस्ट कटिंग होगी, लेकिन इस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में तुमने लोगों को जॉबलेस भी तो कर दिया। रिस्क मैनेज होगा, खाओ अपनी मां की कसम, अभी बैंक नहीं डूबेंगे कभी, बैंक का फेलियर नहीं होगा, इनका NPA नहीं बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके बारे में हम देखेंगे भी आगे इसी चैप्टर में। हमारे देश में अब अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन कहां तक पहुंची भाई, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है कोई बता दो प्लीज। तो कंक्लूजन ये पहुंची कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 11 तो है नेशनलाइज बैंक। अब देख लो यहाँ पर SBI को अलग लिखा जा रहा है, प्लस SBI है ना, क्योंकि SBI को आप नेशनलाइज बैंक बोलोगे क्या? नहीं। तो दे आर पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस मर्जर के बाद PNB सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, PNB सेकेंड लार्जेस्ट PSB है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है हिंदुस्तान के अंदर आफ्टर SBI। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपके फायदे के लिए, थोड़ी सी स्टडी के बाद आप ना PNB, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक PSB, इनके शेयर्स में आप भर भर के अपना पैसा डालो। एक तो ये 50 रुपये से नीचे के शेयर हैं और ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि इसका मालिकाना हक सरकार ने संभाल रखा है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा आपका पैसा बनेगा, हमेशा बनेगा, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो सरकार के अंदर हैं, इनका बेस बढ़ रहा है, इंटरनेशनल हो रहे हैं। आज ये 16-16 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये से कम के हैं, इनके अंदर भर भर कर आप पैसा डालो थोड़ी सी स्टडी के बाद कि डालना किस पॉइंट पर है, किस जगह पर है, आपको गारंटीड आपका पैसा डबल नहीं, ट्रिपल, 9 गुना 10 गुना भी हो जाएगा। हर बार जब भी मुझे पैसे की नीड होती है, मैं इन्हीं बैंक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर 6-7 महीने के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। और बिजनेस आपने भी कर रखा है, देंगे ना, इसके अंदर पैसे डाल रखे आपने PSB के अंदर। तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।